पश्चिमी बंगाल विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की पराजय के बाद पश्चिमी बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 30 अक्टूबर को राज्य की विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद गिनती से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बदल दिया गया था। उपचुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी ने बड़े स्तर से जीत दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं व परिवार के सदस्यों की संख्या से भी कम मत मिले। शुभेंदु अधिकारी ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे आधारहीन बताया है। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि उपचुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, मतगणना से पहले चार विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, अन्यथा गोसाबा से सुब्रत मंडल और दिनहाटा से उदयमन गुहा कैसे इतने भारी अंतर से जीत सकते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि बहलापुर वे विधानसभा क्षेत्र में जिन ईवीएम का इस्तेमाल इस साल हुए विधानसभा के दौरान हुआ था, उन्हीं मतों की गिनती इस बार गोसाबा में की गई। गौरतलब है कि उदयन गुहा ने दिनहाटा उपचुनाव में रिकॉर्ड 1,64,000 मतों और सुब्रत मंडल ने गोसाबा से 1,43,000 मतों से जीत दर्ज की है। टीएमसी के ही ब्रज किशोर गोस्वामी और शोभन देव चट्टोपाध्याय ने बीजेपी को क्रमशः शांतिपुर से 64,675 मतों से और खड़दह से 93,832 मतों से हराया था। शुभेंदु अधिकारी ने उपचुनाव के दौरान धांधली का संकेत करते हुए कहा, शांतिपूर्ण कॉलेज मतदान केंद्र में तृणमूल कांग्रेस को 478 मत मिले जबकि बीजेपी को केवल 8 मत। वहां पर बीजेपी के कुल 20 बीजेपी कार्यकर्ता थे और उनके परिवार के मतदाताओं की संख्या 92 थी। इसके अलावा गोसाबा बूथ पर एक नेता के परिवार में 8 मत थे लेकिन बीजेपी को केवल 1 मत मिला, यह कैसे संभव है। गौरतलब है कि उपचुनाव के बाद विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस सदस्यों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है जबकि बीजेपी विधायकों की संख्या घटकर 75 रह गई है। हालांकि इनमें से 5 विधायकों ने पाला बदलकर टीएमसी का दामन थाम लिया है। इस तरह विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 70 हो गई है। दोस्तों, इस खबर पर और बीजेपी के इस आरोप पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।